प्रवासी मजदूर रोजगार के अभाव में पलायन करने को है मजबूर। सरकार के रोजगार देने के दावों की खुल रही है पोल। कोरोना महामारी के चलते अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए मजदूरों का 2 माह पूर्व ही घर वापसी हो चुकी है। सरकार के द्वारा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत रोजगार दिलाने, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन सिवनी जिले के सिलपनी जुगरई क्षेत्र में हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर पूरे देश में और पूरे प्रदेश में प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों से अपने गांव की ओर लौट चुके थे। सरकार उन्हें गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के दावे भी कर रही है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग कोरोना जैसी महामारी से भयभीत नहीं, जितना कि रोजगार के अभाव में अपने परिवार के पालन पोषण में आ रही दिक्कतों से ज्यादा भयभीत है। और शायद यही कारण है कि आप लोग अपने परिवार और अपने पेट के खातिर पलायन करने को मजबूर है। सिवनी से जिला ब्यूरो विमल चौबे की रिपोर्ट। कहां से आए? भला भी बोल रहा हूं, मैं ग्राम जगरई का हूं। मेरे पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए मैं काम में जा रहा हूं बाहर। अगर मैं काम में नहीं जाऊंगा बाहर तो मेरे लड़का बच्चों के, मेरे माँ बाप मेहतारी भूखी मारेंगे क्या? तो इसके लिए मैं काम करने कहीं बाहर जा रहा हूँ। इसका कोई जवाबदार है तो मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। सरकार क्या रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है? नहीं करा रही है, इसलिए तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ग्राम पंचायत में जो अभी काम कुछ हुए हैं तो वो काम आप लोगों को नहीं मिला है या फिर ग्राम पंचायत ने काम ही नहीं कराई? काम ही नहीं कराई है, उतना ज़्यादा करवाई है लेकिन बहुत कम करवाई है। पेट पालना के लिए तो कहीं भी जाना पड़ेगा ना हम लोगों को। आप लोग कहाँ जा रहे हैं काम करने? हम लोग जबलपुर जा रहे हैं। कौन सा काम करेंगे? रोपा लगाने। नाम है आपका? रुक्मानी। कौन से गांव की हैं आप? जुगरई। कहाँ जा रही हैं? रोपा लगाने जबलपुर। जबलपुर जा रही हैं। अभी आपके यहाँ ग्राम पंचायत ने कोई काम वाम नहीं कराया क्या? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। शासन से कोई सुविधा कुछ मिल रही है क्या? कुछ नहीं मिल रही है, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ वाले बाल सर के लड़का हम कैसे बैठे।